अब घर पर बनाएं ये प्रोटीन रिच चॉकलेट। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कुक विद ममता। दोस्तों, आज हम ये चॉकलेट्स बनाने वाले हैं। ऑयल एंड शुगर फ्री हैं, प्रोटीन रिच हैं और काफी हेल्दी हैं। बनाने में कोई तामझाम नहीं है, ओनली 2 इंग्रेडिएंट से इन्हें मैंने बनाया है। आइए देखते हैं पीनट चॉकलेट्स घर पे बनाने का इजीएस्ट तरीका। पीनट चॉकलेट्स बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप पीनट्स ली हैं। ये 150 ग्राम है। 200 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है। ये देखिए, इस तरह से चॉकलेट कंपाउंड मार्केट में अवेलेबल है। ये 400 ग्राम का पैक मिलता है, इसमें से मैंने हाफ पैक ले लिया है। सबसे पहले हम चॉकलेट कंपाउंड को ग्रेट करेंगे। इसको तोड़ लेते हैं। ये देखिए, अब इसको एक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करेंगे। बहुत आसानी से ये ग्रेट हो जाता है। नाइफ की हेल्प से आप इसे छोटा छोटा कट भी कर सकते हैं। ये देखिए, चॉकलेट कंपाउंड को मैंने ग्रेट कर लिया है। और अब हम चलते हैं पीनट्स की साइड। गैस की फ्लेम पर एक कढ़ाई या पैन रखकर इसको गर्म करें और इसमें ये पीनट्स डालें। इन पीनट्स को अब रोस्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पर इन्हें रोस्ट करें। 1 मिनट तक मैंने इसे हाई फ्लेम पर रोस्ट किया है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें रोस्ट करेंगे। मूंगफली का रेड छिलका जो ये साइड में है, इन्हें हटा देंगे। बाकी इसका रेड छिलका हटाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये छिलका भी न्यूट्रिएंट्स का गुड सोर्स है। मूंगफली को रोस्ट होते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं। इनका थोड़ा कलर भी चेंज होने लगा है और ये चटर-पटर कर रही हैं। इसका मतलब ये अंदर तक सिक गई हैं। 30 सेकंड के लिए फ्लेम को फुल करें और इनको चलाते रहें। ये देखिए, मूंगफली भुनने की काफी अच्छी खुशबू फैली हुई है। बस अब फ्लेम को ऑफ कर दें। गर्मा गर्म मूंगफलियों को इस चॉकलेट कंपाउंड में डालेंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पीनट्स की गर्माहट से ये चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए, चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है। इस तरह से एक प्लेट लेकर मैंने इस पर बटर पेपर बिछा दिया है। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरह से चॉकलेट कंपाउंड का रैपर भी यूज कर सकते हैं। इसको इस साइड से यूज करें। इस तरह से थोड़ा मटेरियल स्पून में लेंगे और इसको बटर पेपर पर डालेंगे। इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दें। अपनी च्वाइस के अकॉर्डिंग ये चॉकलेट्स आप बड़े या छोटे साइज में बना सकते हैं। इस तरह से इसकी शेप को थोड़ा सा ठीक कर दें। बाकी के पीनट चॉकलेट्स भी इसी तरह से बना लें। और ये देखिए, सारे पीनट चॉकलेट्स बनकर तैयार हैं। अगर आपको बड़े बनाने हैं तो बड़ा स्पून यूज कर लें, और अगर छोटे बनाने हैं तो छोटे स्पून से इन्हें बनाएं। दोस्तों, अब दीपावली का अवसर है तो कुछ सजावट तो बनती ही है। इसको गार्निश करने के लिए यहाँ मैंने कुछ सिल्वर बॉल्स ली हैं। बस इसी से हम अपनी चॉकलेट कैंडीज को गार्निश कर देते हैं। ये देखिए, इस तरह से इन्हें गार्निश करें। इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें। तुरंत ही इस पर ये सिल्वर बॉल्स डालें। अब कुछ देर के लिए इसे फ्रिज में रखेंगे। और ये देखिए, पीनट चॉकलेट्स तैयार है। इन्हें मैंने 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। इसे हम बटर पेपर से हटाएंगे। ये देखिए, कितनी आसानी से ये छूट जाती है। ये देखिए, कुछ मटेरियल को मैंने चॉकलेट कंपाउंड के रैपर पे डालकर बनाया है। ये भी देखिए, कितनी आसानी से छूट गई है। इसी तरह से सारी चॉकलेट्स को बटर पेपर से रिमूव करेंगे। बिल्कुल आसानी से, बस ये देखिए, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस इसी तरह से ये छूट जाती हैं। ये देखिए, सारी चॉकलेट्स को मैंने बटर पेपर से अलग कर दिया है। ये देखिए, मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितनी आसानी से ये टूट गया है। मुंह में जाते ही घुल जाने वाली चॉकलेट बनकर तैयार हुई है। दीपावली पे अब की बार मेहमानों का स्वागत इन चॉकलेट कैंडी से करें। आप देखेंगे कि इनके आगे मिष्ठान भी पीछे रह जाएंगे। इन्हें पैक करके आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह के बॉक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इसमें डालकर आप इन्हें पैक कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इन्हें मैंने बॉक्स में डाल दिया है। इनका ढक्कन बंद करके इसे इस तरह की थैलिया में डालकर गिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, बस अब आप इन्हें ट्राई करें और कमेंट करके बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी। पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक को क्लिक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल कुक विद ममता को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, साथ में जो घंटी आएगी उसे भी दबा दें। इससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।
मिलते हैं फिर एक और रेसिपी के साथ। बाय बाय।